जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने सिंगोली पहुंचकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना। आज बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे सिंगोली पहुंचे जिला अधिकारियों ने सबसे पहले तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया तथा तहसीलदार सुधाकर प्रसाद तिवारी को आवश्यक निर्देश दिए। तहसील कार्यालय से सीधे दोनों जिलाधिकारी कोटा रोड स्थित सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां पर विभिन्न विभागों जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग, शासकीय महाविद्यालय सिंगोली, उप पंजीयक सिंगोली, विद्युत विभाग, महिला बाल विकास, उद्यानिकी विकास, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर परिषद सिंगोली आदि के अधिकारियों से संबंधित विभाग की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो आपने इस जिले के अंतिम छोर की बेसिकली आने के बाद सारे जो तहसीलें हैं, सारे थाने हैं, वो एक बार भ्रमण कर लिए जाएं, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था और कोविड रहने की वजह से केवल अस्पताल और दवा की इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करा गया। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा कोविड कम हुआ है तो हमारे नॉर्मल काम भी चालू हो गए हैं और शासन की जो प्राथमिकताओं की योजनाएँ हैं जिसमें हम व्यक्ति परेशान रहता है उसको तेज़ी से निराकरण होना उसको तेज़ी से हो ये सुनिश्चित किया जाए, ये इंश्योर करने के लिए देखने के लिए है। वर्षा में देरी है, अगर कुछ हो सकता है नहीं, बिल्कुल प्रयास कर लेते हैं जो इसमें हो सकता है, क्योंकि जहाँ पानी का भराव रहता है ना, तो वहाँ अगर मिट्टी निकल जाती है बिल्कुल देखवा लेते हैं, तो पेयजल का स्थायी समाधान वही है। ठीक है, कोरोना काल के बाद स्टेट राज्य शासन की तरफ से भी कई भर्तियाँ की गई, जिले में भी करी जा रही है और तेजी से राज्य शासन और भी तेजी से कर रहा है। जो चिकित्सक रहते हैं उनका सही तरीके से यहाँ पे पदस्थी कर दी जाए उसको हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे मतलब जो इलाज यहीं पर लोकली हो सकते हैं उनके लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े। पर सर चिकित्सकों की तो बहुत कमी है, लगभग 30-40% है, और अब बड़े इन 3 महीनों में चिकित्सकों की काफ़ी सारी भर्ती भी हुई है और ये इंश्योर करेंगे कि अब धीरे धीरे विदिन 1-1.5 महीने में यहाँ पे भी लोग आ जाए, चिकित्सक आ जाए, जिससे यह घटना ना हो पाए। जो चिकित्सक आ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक इलाके के लिए आते हैं, जैसे सरवनिया महाराज के लिए आया हुआ था तो सरवनिया महाराज में वो चले गए, अलग अलग इलाकों के लिए आ रहे हैं कि इस जगह के लिए भी आने हैं। सरकार उसको कर रही है क्योंकि थर्ड वेव के लिए भी तैयारी करनी है, तो हमारे लिए भी ज़रूरी रहेगा कि चिकित्सक पूरे रहें, तो सरकार उसमें कर रही है। एक इसमें SDM साहब ने भी एक जाँच रिपोर्ट बड़ी सी दी है और इसमें कोर्ट भी हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, ये बात सही है कि जो शासन की भूमि है उसका सीमांकन होकर और बाकी जो अगर अन्य अवैध अगर कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है वो तुरंत रुकवाए जाने हैं और बाकी के ऊपर भी निर्णय के लिए कोर्ट में चल रहा है, वो अपना इस तरीके का शेड्यूल अपना फिर से जारी करेंगे। सिंगोली से महबूब मेव की ये रिपोर्ट।